बैन करो, बैन करो, फिर से बोल हाय हाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सेंसर बोर्ड हाय हाय, सेंसर बोर्ड हाय हाय, सेंसर बोर्ड हाय हाय, निदेशक ओम रावत हाय हाय, सेंसर बोर्ड हाय हाय, सेंसर बोर्ड हाय हाय, सेंसर बोर्ड हाय हाय, है ना अध्यक्ष नमो नमो मोर्चा भारत अपनी पूरी टीम के साथ, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी पूरी टीम के साथ आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो फिल्म आदि पुरुष जो इन्होंने टीज़र दिया है उसके अगेंस्ट हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस फिल्म में पूरा का पूरा दिखाया गया है कि जो हमारी हिंदुओं को अपमानित किया गया है, हमारी हिंदू संस्कृति को अपमानित किया गया है, हमारे रामायण को अपमानित कर दिया गया है, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसमें जो पहनावा है, रावण का पहनावा, हमारे भगवान श्री राम का पहनावा, हमारे रुद्र अवतार बजरंगबली का पहनावा, ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम सेंसर बोर्ड को भी यही कहते हैं कि ये फिल्म पास मत कीजिए। उन्होंने जो पास की है इसका मतलब है उन्होंने पैसा खाया है, तो ये फिल्म वापस ले लीजिए। हम पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे देश में ये फिल्म नहीं चलने देंगे। जो 25 तारीख को या 12 तारीख रिलीज़ हो रही है जनवरी में, हम नहीं चलने देंगे। ये हमारे सीधा सीधा हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की ही बात करेंगे, और ये हमारे हिंदुओं के साथ हर बार ये खिलाफ कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। और ये हम पूरे देश के जितने भी हिंदू हैं उनको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप खड़े हो जाइए, नहीं तो ये हर बार हमारे ये बॉलीवुड जो है ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ करते रहेगा कुछ ना कुछ, तो बॉलीवुड को ही बैन करना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी ये मूवी रिलीज़ होती है फिर इसके नहीं इसके बावजूद ये अगर रिलीज़ होगी तो हम क्या करेंगे? हम पहले तो रिलीज़ होने देंगे नहीं। अगर रिलीज़ अगर हो जाती है तो हम पूरा हिंदू का हिंदू जो हमारा समाज है पूरा हम आ जाएंगे रोड पे। हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। फिल्म वैसे तो होगी नहीं रिलीज़, किसी भी हाल पे नहीं होगी। आज हम यहाँ पे हैं, हमारे जितने भी नमो नमो मोर्चा के हमारे जितने भी हमारे हिंदुत्व हैं, जितने भी हैं, सभी के सभी पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं होगी ये रिलीज़।